नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। साल 2020 एक बार फिर से खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना देशवासियों को डरा रहा है और ये संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोगों में फिर से लॉकडाउन लगने का डर है। हालांकि महज ये अफवाह है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। देश में 112 दिनों बाद करीब 41,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं, जिसने लोगों को एक बार फिर से परेशानी में डाल दिया है। लोग अभी 2020 से उभरे भी नहीं थे कि 2021 अपने साथ शुभ समाचार तो लेकर आया था, लेकिन मार्च आते आते फिर हालात 2020 जैसे होते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना की फिर दिखी लहर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात खराब। 4 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए गए। लोगों की लापरवाही से बढ़ रहे मामले। मास्क को भूले लोग, 2 गज की दूरी याद नहीं। कोरोना अभी बाकी है, खतरा अभी टला नहीं है। रोजाना स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना के ताजा आंकड़े पेश किए जाते हैं और ये आंकड़े पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए और 188 लोगों की जान चली गई। हालांकि 23,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 28 नवंबर 2020 को 41,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए थे, यानी कि पिछले 3 से 4 महीने हालात स्थिर थे और लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अब कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मार्च आ रहा है वैसे वैसे हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,15,55,284 हो गए हैं। कुल 1,59,558 लोगों की जान जा चुकी है। 1,11,07,332 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,88,394 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है। अंदाजा लगाइए कि हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। इससे लापरवाही ना बरते, सावधान रहे, मास्क लगाए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। महाराष्ट्र में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को यहां संक्रमण के 25,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही महामारी से 70 और मरीजों की मौत हो गई। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने का अभियान शुरू हुआ था। 19 मार्च तक देश भर में वैक्सीन की 4 करोड़ से ज्यादा डोज दे दी गई। बीते दिन 27,23,575 डोज दी गई है। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.38% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। एक्टिव केस बढ़कर 2.36% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 9वां स्थान है। कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे फैसले भी ले लिए हैं, जिसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में अब डर आ तो रहा है, लेकिन लापरवाही जस की तस है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामलों में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।